नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल शीरकले में। दोस्तों, होलिका दहन के दिन लोग अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए अपनी बुराई के रूप में लकड़ी को जलाते हैं। आजकल यह सामान्य रूप से देखा जा सकता है कि होलिका दहन के लिए लोग किसी भी प्रकार की लकड़ी का उपयोग कर लेते हैं, जो कि कुछ हद तक ठीक नहीं है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार की लकड़ी का उपयोग होलिका दहन में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, पुराने समय के लोगों का कहना था कि होली दहन में हमेशा गाय के कंडों को ही जलाना चाहिए। होली चाहे छोटी बने या बड़ी, लेकिन वह केवल और केवल कंडों का ही होनी चाहिए। परंतु कुछ ज्योतिषों का यह मानना है कि इस दिन आप अपनी राशि के अनुसार होलिका दहन में लकड़ी अवश्य अर्पित करें। इससे ना ही आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, बल्कि व्यापार और धन में भी वृद्धि होगी। अगर आप लकड़ी का इस्तेमाल होलिका दहन में कर रहे हैं तो शास्त्रों के अनुसार राहु केतु से संबंधित कुछ पेड़ों की लकड़ियों को होलिका दहन में उपयोग लेना बुरा माना जाता है। ये लकड़ियां हैं आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, पीपल की लकड़ी में नेकोपल आते हैं, वट की लकड़ी तथा हरे पेड़ों को जलाना भी बुरा माना जाता है। जिन लकड़ियों का उपयोग हम होलिका दहन में कर सकते हैं, उनमें पहली लकड़ी है एरंड की लकड़ी, जबकि दूसरी लकड़ी है गूलर की लकड़ी। इनको जलाने से वायु शुद्ध होती है, साथ ही मच्छर और बैक्टीरिया भी खत्म होते हैं। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।